अब ये नेक्स्ट टॉपिक 2.3.1, यहाँ पर हम लोग प्रेशर का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ये आपके स्कूल के टाइम से निकाला हुआ है बट इट्स पार्ट ऑफ द टॉपिक, तो हमको एक बार देखने गए। आपके पास यहाँ पर एक कंटेनर, कंटेनर में फ्लूइड, फ्लूइड में आपका कोई भी लिक्विड सब्सटेंस है, पानी पकड़ो, उसके अंदर हमने एक शेप, एक शेप का बॉडी डाला, उसका हाइट एच है। तो अब वो क्या करेगा, जैसे इसके ऊपर ये एक्ट करेगा, अंदर जाएगा, डिप करेगा, तो वैसे ही उसके ऊपर फोर्स क्रिएट होगा। जैसे नॉर्मल एक सॉलिड के ऊपर सॉलिड लगता है तो फोर्स लगता है, पर क्योंकि ये सब्सटेंस के अंदर इलास्टिसिटी है तो वो क्या करेगा, जैसे इसके ऊपर फोर्स एक्ट करेगा और ये सॉलिड होने की वजह से ये डिफॉर्म होगा। अभी जैसे मैंने हाथ इसके ऊपर रखा, ये चमड़ी थोड़ा सा डिफॉर्म हुआ है, और जैसे हटाया वो डिफॉर्म हो गया। ठीक है, ये सॉलिड था, इसलिए इसके अंदर ये घुसा नहीं, पर ये लिक्विड है, इसके अंदर ये मॉलिक्यूल्स वीक हैं, और इसके अंदर वो डिफॉर्मेशन और रिफॉर्मेशन नहीं था, फ्लूडिटी है, यानी फ्लो होने का कैपेसिटी है। तो जैसे इसके अंदर डाला, जैसे इसके अंदर क्या होगा, अगर पानी का लेवल यहाँ था तो वो ऊपर चला गया, तो पानी के लेवल से हमको यहाँ पर कुछ लेना देना नहीं है। अब इसके ऊपर प्रेशर कितना एक्ट करेगा, ये डिपेंड करेगा कि इसके ऊपर कितना फ्लूइड अपना फोर्स लगा है। तो ये फ्लूइड हर तरफ से इसके ऊपर फोर्स लगाए, तो फोर्स कहाँ कहाँ से लगेगा, फोर्स इसको ऊपर से लगेगा, इधर से फोर्स इसको हर तरफ साइड से लगेगा, तो साइड से इधर से फोर्स आएगा, इसको ये चारों तरफ से इसके ऊपर फोर्स लगेगा। तो अब ये फोर्स क्या देगा, प्रेशर का फॉर्मूला क्या, फोर्स अपॉन एरिया, तो प्रेशर है फोर्स अपॉन एरिया। अब ये फोर्स जो है वो इसके ऊपर जो एक्ट कर रहा है वो वेट की तरह से एक्ट कर रहा है, तो फोर्स और वेट भी एक तरह का फोर्स होता है, हमने पढ़ा है। तो अब ये इसके ऊपर वेट वाला काम करेगा, तो वेट वाला जब काम करेगा तो वेट एक्चुअली वर्टिकली डाउनवर्ड हैंग करता है, तो यहाँ पर ये ऊपर से नीचे ऊपर वाला जो फ्लूइड है उसके ऊपर फोर्स क्रिएट करेगा, और वो कितना रहेगा, एम जी, तो एम जी इसके ऊपर फोर्स क्रिएट कर रहा है, एरिया वैसा का वैसा ए। नाउ हमको मालूम है डेंसिटी इज व्हाट, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, तो डेंसिटी अगर मास अपॉन वॉल्यूम होता है तो देयरफॉर मास क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो यहाँ पर क्या आएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। नाउ ये क्या हो गया जी, और ये एरिया ए, अब वॉल्यूम को लिख सकते हैं एरिया इंटू हाइट। नाउ एरिया इज गेटिंग कैंसिल, व्हाट यू गेट इज एच रो जी, तो आपको प्रेशर का फॉर्मूला क्या मिला, एच रो जी। ठीक है, तो प्रेशर हो गया एच रो जी। अब यहाँ पर ये जब कंटेनर के अंदर डिप किया तो यहाँ पर जो शेप चेंज हुआ, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप, ये कंटेनर के शेप पे ये इंडिपेंडेंट है। ठीक है, मतलब आप इसको अगर ये आपका ये शेप का अगर वैसा नहीं होते, कोई दूसरे शेप का वैसा होता तो भी फर्क नहीं पड़ता था, जो उसके बाद प्रेशर लगने वाला है वो उतना ही लगेगा। यानी आपका इसका शेप एक कंटेनर का ऐसा सिलिंड्रिकल है, इसकी जगह पे अगर ये ऐसा होता वर्टिकल जैसा तो भी फर्क नहीं पड़ता, ये अगर ऐसा सर्कुलर होता और इसके अंदर आपने ये चीज को डाले होता तो भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आगे चल के हम लोग देखेंगे हाइड्रोस्टेटिक पैराडॉक्स। तो आपको यहाँ पे क्या मिलता है कि इसके तो कोई भी फर्क पड़ता नहीं, इससे इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप, एंड ये जो फॉर्मूला है ये लिक्विड और गैस दोनों तरह के फ्लूइड के लिए ओके, यानी लिक्विड और गैस दोनों जगह के प्रेशर का ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ना हम लोग स्कूल से एटमोस्फेरिक प्रेशर वर्ड सुनते आए हैं, एटमोस्फेरिक प्रेशर यानी हमारे आसपास के एटमोस्फेयर में जो गैसेस है, एयर है, उसका जो मॉलिक्यूल्स का वेट है वो जो हमारे ऊपर फोर्स क्रिएट करता है, ऊपर जो स्पेस है, ठीक है, जो हमारे ऊपर गैस मॉलिक्यूल्स हैं एयर में, वो जो हमारे ऊपर फोर्स क्रिएट करते हैं हमारे बॉडी के ऊपर हर जगह पे, और उस फोर्स से जो प्रेशर बनता है, क्योंकि हमारे किस बॉडी के किसी पार्ट के ऊपर कुछ एरिया में वो एक्ट करेगा, तो एरिया में जब एक्ट करेगा तो फोर्स के साथ एक्ट करेगा, तो फोर्स अपॉन एरिया इट क्रिएट्स प्रेशर, और वो एटमोस्फेयर के प्रेशर को कन्वर्ट एज एटमोस्फेरिक प्रेशर। नाउ इट इज ड्यू टू द फोर्स ऑफ फ्लूइड्स, तो फ्लूइड मतलब ये हवा भी क्या है, फ्लूइड ही है। ऐसे अगर हम लोग समझो झरने के नीचे बैठे हुए, झरने से ऊपर से पानी नीचे गिर रहा है, तो वो जो पानी है वो हमारे ऊपर फोर्स क्रिएट करता है और वो भी फ्लूइड है, तो इट इज ड्यू टू द फोर्स ऑफ फ्लूइड, तो वो भी हमारे ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा झरने का पानी। वैसे यहाँ पर भी हमारे लिए क्या कर रहा है, हमारे पे प्रेशर जनरेट कर रहा है। तो हाइएस्ट ऑफ द सर्फेस एंड ऑफ सी लेवल, सर्फेस ऑफ द अर्थ को ही सी लेवल पकड़ा जाता है, सर्फेस ऑफ द अर्थ को सी लेवल पकड़ते हैं। ठीक है, और वो मैक्सिमम क्योंकि यहाँ पर एटमोस्फियर सबसे ज्यादा है, यहाँ पे सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स है, जैसे ऊपर ऊपर जाओगे वैसे वैसे वो खाली स्पेस है। ठीक है, तो ऊपर ऊपर खाली स्पेस है, और यहीं पर आपके क्या है, सिर्फ
गैस मॉलिक्यूल्स है, तो यहीं पर उसका प्रेशर मैक्सिमम होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स हैं तो फोर्स लगेगा, जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे वैसे वैक्यूम में मॉलिक्यूल्स खत्म, मॉलिक्यूल्स खत्म तो फोर्स लगाने वाला कोई नहीं, फोर्स लगाने वाला कोई तो प्रेशर नहीं। तो अर्थ के ही प्रेशर को, अर्थ के सी लेवल के प्रेशर को नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलेंगे, या फिर प्रेशर ऑन द सरफेस बोलेंगे, या प्रेशर ऑन द सी लेवल बोलेंगे। अब ये कहां तक मैक्सिमम होता है, 8 किलोमीटर से कम ऊपर, 8 किलोमीटर ऊपर जाएगा ये चीज रहेगा, वेयर गैस इज लेस कॉल्ड एज वैक्यूम। जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसा वैसा क्या होगा, वैसे वैसे आपको ऊपर वैक्यूम मिलेगा और कुछ भी मिलने वाला नहीं है, और प्रेशर अपने आप कम होना शुरू हो जाता है। सो दिस वॉज अ माइनर टॉपिक, ये आपको क्या मिलता है, प्रेशर इज इक्वल टू एच रो जी, विच यू आर सपोज टू रिमेम्बर एंड वी आर सपोज टू यूज इट फॉर फ्यूचर टॉपिक्स।